वेलकम टू डे वन ऑफ अ कॉर्पोरेट रीडर। बाहर वेदर काफ़ी ख़राब है और यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। मैंने शायद लास्ट 2 महीने पहले ही सूर्यदेव को देखा था। इवनिंग के टाइम काम बहुत ज़्यादा रहता है, सो आई ऑलवेज कीप सम स्नैक्स ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिले। एंड टुडे आई एम हैविंग दिस थिंग, इसे ड्राई चीड़ा या ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, पता नहीं। अगर आपने ट्राई किया होगा कभी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दो आज फ्राइडे है बट सुबह से काम का इतना प्रेशर है कि मैंने एक भी पेज रीड नहीं किया है एंड आई एम लिटरली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। बाय द वे, द होल आइडिया अबाउट दिस सीरीज इज हाउ यू कैन रीड मोर व्हाइल हैविंग अ फुल डे वर्क। वैसे जो बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ दैट इज़ दिस वन, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। ये हेमंत सोनी की लेटेस्ट किताब है एंड मैं पहले भी इनके सारे बुक्स पढ़ चुकी हूँ एंड आई रियली लव हिज राइटिंग। दिस इज़ अ जेन फिलोसॉफिकल बुक, तो मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी है जो कि मुझे काफ़ी सूदिंग लगती है, सो दैट्स वे आई ऑलवेज लव दिस काइंड ऑफ बुक्स। येस्टरडे ओनली आई स्टार्टेड रीडिंग दिस, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो इसमें कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है मैंने, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दिस। वैसे तो फ्राइडे है तो देखते हैं कि काम कब ख़त्म होता है और उसके बाद आई एल जस्ट ग्रैब दिस बुक, मे बी आई एल जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी। और आज मुझे ये बुक, मतलब मुझे पढ़ना है इसको, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मुझे ये किताब बहुत सही लग रही है। आई थिंक आई शेयर्ड अ पोस्ट ऑल्सो ओवर इंस्टाग्राम, मैं दिखाती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो जेन जो भी इनके बुक्स हैं ना वो ऐसे फॉर्मेट में आते हैं, तो इट्स लाइक सम इंट्रोडक्शन यू विल गेट एंड उसके बाद ना यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कोट्स काइंड ऑफ, और जो कि ऐसा है। तो मैं हमेशा इन सारी चीज़ों को मार्क करके रखती हूँ, तो कभी भी अगर मुझे फील होता है कि चलो एक बार री रीड करते हैं, तो मैं ऑलवेज ऐसे छोटे पॉइंट्स को री रीड कर लेती हूँ। अभी तो मैं बर्न्ड आउट ही फील कर रही हूँ, अभी बहुत काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।